नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और यह है सैमसंग गलेक्सी S21 FE 5G। सैमसंग गलेक्सी S21 FE 5G में न्यू अपडेट आ चुका है। क्या ये अपडेट एंड्रॉयड 14 का अपडेट है? एंड अपडेट के बाद क्या आपके इश्यू थे फ़ोन में, बग्स थे, क्या वो फिक्स होंगे? नहीं, बहुत से लोग कह रहे थे मेरा फ़ोन बहुत ही ज़्यादा हीट कर रहा है, ज़रा सा गर्मी में या थोड़ा सा यूज़ कर लेते, गेम खेल लेते, कुछ भी यूज़ करते तो फ़ोन हीट करने लगता है, बैटरी ड्रेनिंग के इशू, बैटरी में भी इशू आ रहा है, बैटरी ज़्यादा देर रुकती नहीं है। क्या ये सब सॉल्व होने वाली है आपकी प्रॉब्लम्स? एंड इसके अलावा यार, बहुत से लोग कहना ये है कि यार फ़ोन अपडेट करने के बाद क्या कोई इशू तो नहीं आएगा, ये भी मन में डाउट रहता है कि कभी कभी अपडेट के बाद इशू आ जाते हैं, ऐसा देखने को मिलता है। तो सब कुछ हम आपके जो डाउट है इस वीडियो में दूर करने वाले, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। एंड इससे अच्छी बात यह है कि इस अपडेट के बाद क्या आपको न्यू फीचर्स एंड एंड्रॉयड 14 का अपडेट जो है क्या वो मिलेगा या फिर नहीं, तो सारा कुछ डाउट आपका दूर करने वाले इस वीडियो में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और एक लाइक कर देना मोटिवेशन के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना, देख सकते हो हम सेटिंग में जा रहे हैं, सेटिंग पर क्लिक करना। एंड इसके अलावा यहाँ पर आपको नीचे आना, स्क्रॉल डाउन करके इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ। एंड यहाँ पर आपको एक सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन मिलेगा, देख सकते हो, इस पर क्लिक करना। एंड यहाँ पे देख सकते हो डाउनलोड एंड इंस्टॉल। उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ, देख सकते हो द लास्ट अपडेट वाज इंस्टॉलेड ऑन 28 अप्रैल 2023। तो भाई 28 अप्रैल 2023 को हमने लास्ट अपडेट किया था, तो लगभग आप मान लो अप्रैल 1 मंथ हो चुका है, ठीक है। एंड इसके अलावा यहाँ पे डाउनलोड एंड इंस्टॉल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना। एंड यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि अपडेट का साइज क्या है और सिक्योरिटी पैच लेवल जो है वो आपको कौन से मंथ का मिल रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देख सकते हो अपडेट योर फ़ोन। एंड यहाँ पर हम नीचे आएंगे, इस तरीके से देख सकते हो अपडेट इन्फॉर्मेशन में आपको क्या देखने को मिला, मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ सही से। तो आप देख सकते हो वन वाई वर्जन 5.1 का है, ठीक है, वर्जन वही रहेगा 5.1। एंड इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हो साइज जो है 233.53 MB का है, सिक्योरिटी पैच लेवल 1 मई 2023 का है। तो ये अच्छी बात है कि आपको 1 मई का सिक्योरिटी पैच मिल रहा है, चलिए अच्छी बात है। एंड इसके अलावा यहाँ पे आपको क्या न्यू फीचर्स देखने को मिलेंगे, चलिए हम वो भी देख लेते हैं। तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को लाइक कर दो, अभी तक लाइक नहीं किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हो, यहाँ पे आप आओगे इस तरीके से तो देख सकते हो द सिक्योरिटी ऑफ योर डिवाइस हैज़ बीन इम्प्रूव्ड आफ्टर अपडेट, यू विल नॉट बी एबल टू डाउनलोडिंग द ओल्ड सॉफ्टवेयर बिकॉज अपडेट टू द सिक्योरिटी पॉलिसी। तो यहाँ पर ये बताया गया। एंड यहाँ पर सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा डिवाइस स्टेबिलिटी इंप्रूवमेंट्स वर्क फिक्स, ठीक है, तो डिवाइस की स्टेबिलिटी है उसको इंप्रूवमेंट किया गया है, और यहाँ पे जो कोई छोटे मोटे बग्स थे, इशू आ रहे थे, वो फिक्स हो जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हो मेंशन किया गया। न्यू एंड और इन्हेंस फीचर्स, तो यहाँ पर जो फीचर्स हैं उनको और भी ज़्यादा इन्हेंस कर दिया गया। एंड फ्यूचर इंप्रूवमेंट टू परफॉर्मेंस, तो आपकी परफॉर्मेंस को भी और यहाँ पर अच्छा कर दिया गया। एंड इसके अलावा यहाँ पर अगर ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक करके डायरेक्ट आप इसके सैमसंग के साइट पे आके टोटल एक एक जानकारी यहाँ पर देख सकते हो। तो देख सकते हो यहाँ पर गलेक्सी S21 FE 5G सारी डिटेल्स यहाँ पर निकल के आ जाती है, बिल्ड नंबर और यहाँ पर जो भी आपके फीचर्स वगैरह, देख सकते हो कैमरा गैली। तो यहाँ पर क्विकली चेंज टू द कलर टोन फॉर सेल्फी, तो यहाँ पर आप क्विक आपको जो कैमरा गैली में जाके क्विक यहाँ पर चेंज कर सकते हो उसके जो कलर्स हैं। एंड यहाँ पर मोर पावरफुल सर्च को कर दिया गया, इन्हेंस इमेज रिमास्टरिंग, तो जो हम अपने इमेज को रिमास्टर करते थे उसको और भी ज़्यादा इन्हेंस कर दिया गया। जैसे रिमास्टर का पिक आप जानते होंगे, रिमास्टर का ऑप्शन ये आता था किसी गैलरी में जाके, जैसे कोई भी पिक्चर है यहाँ पर ये देखिए ये आता है रिमास्टर का, ठीक है, तो इसको और भी ज़्यादा इन्हेंस कर दिया गया है, चलिए। एंड इसके अलावा यहाँ पर हम देखते हैं एक चीज़ और, क्रिएट ए शेयर्ड फैमिली एल्बम, तो यहाँ पर आप ये भी कर सकते हो। बहुत सारे जो फीचर्स हैं उसको यहाँ पर ऐड कर दिया गया है, तो अपडेट आप कर लेना, अपडेट में कोई इशू नहीं आएगा, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर सिंपल डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे जाना है, डाउनलोड पर करना क्लिक। एंड यहाँ पर देख सकते हो यहाँ हमारा अपडेट होने लगा है, तो हमारा अपडेट हो चुका है, इसका इंस्टॉल नाउ पे हम क्लिक कर देते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो एंड्रॉयड सिस्टम अपडेट, तो ये अपडेट हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। फ़ोन ओपन होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको यहाँ पर फ़ोन में चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पर हम अपना लॉक डाल लेते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। अभी तक वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर दो दोस्तों, ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो भाई जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर फ़ोन जो है पहले से ज़्यादा यहाँ पर इन्हेंस हो चुका है, और यहाँ पर कोई भी इशू नहीं आया है। और एंड्रॉयड आपको 13 का ही अपडेट रहेगा, अभी 14 का नहीं मिलेगा, वही 1UI 5.1। एंड सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हो, अपडेट करने से पहले आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। अपडेट करने से पहले आपको 100% फ़ोन आपको चार्ज करना है,
और कम से कम 50% से ऊपर आपका फ़ोन चार्ज होना है, इसके बाद ही आपको अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करना है। दोस्तों वीडियो में यही था, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और पे सेट कर।